हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे विनोद भाई के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आजकल हर जगह जो छाए हुए हैं हमारे विनोद भाई, हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। जहाँ देखो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मतलब हर सोशल मीडिया पे हमारे विनोद भाई पूरी तरह छाए हुए हैं। तो हम आज विनोद भाई के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। तो आज हम विनोद भाई के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। मतलब आजकल विनोद भाई तो हमारे कोरोना से ज़्यादा विनोद भाई फेमस हो चुके हैं। तो बस आज विनोद भाई के ऊपर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, बस छोटी सी वीडियो, पूरी वॉच करना। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को चलते हैं और विनोद भाई के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जानते हैं। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, जो हमारे विनोद भाई हैं, विनोद भाई हमारे तरह एक यूट्यूबर थे। तो दोस्तों, ये करते क्या थे, मतलब जैसे दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो वॉच करी तो उनके कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपना नाम विनोद लिख देते थे। तो मतलब ऐसे हर यूट्यूबर्स के नीचे कमेंट बॉक्स में खाली विनोद लिख दिया, दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी तो उसके कमेंट बॉक्स में विनोद लिख दिया। तो ऐसे मतलब आजकल तो लोग मतलब कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिखते रहते हैं, जैसे सब फॉर सब विनोद, या अपना नाम राहुल, काजल, फिर रिया, ऐसे बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं, क्रेजी कमेंट करते रहते हैं। तो एक यूट्यूबर ने इनके ऊपर मतलब एक क्रेजी कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाए। तो उसमें जो ये विनोद नाम का कमेंट था, ये कॉमन बन गया। तो मतलब वहाँ से ये फिर विनोद भाई का नाम जो वहाँ पर पॉपुलर होने लगा। तो फिर इसके ऊपर मीम्स बनने लगे, डायलॉग बनने लगे। तो ये इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और हमारे यूट्यूब पे बहुत तेज़ी से फेमस होने लगा। तो मतलब आजकल इंडिया वाले तो कुछ भी फेमस कर सकते हैं, वैसे ही लॉकडाउन है तो कुछ भी कर सकते हैं। कोरोना से ज़्यादा तो विनोद भाई फेमस हो गए हमारे। और यूट्यूब पर मतलब आजकल यूट्यूब पर मतलब अब तो खैर विनोद थारू के नाम से इतने सारे चैनल बन चुके हैं ना यूट्यूब पर, कि मतलब सिर पे इतने बाल नहीं थे, यूट्यूब चैनल बन चुके हैं विनोद थारू के नाम से। मतलब कॉपी करने की भी हद होती है, लेकिन भाई साहब कि मान उन्हें आप सर्च करके देखो कि विनोद थारू के नाम से इतने सारे मतलब चैनल क्रिएट हो चुके हैं, या बस आप खुद ही देख लीजिए। तो दोस्तों, बस इनकी कहानी यही थी कि ये इनका नाम विनोद थारू के नाम से एक चैनल था, हर यूट्यूबर्स के कमेंट बॉक्स में खाली विनोद लिखते थे। तो एक यूट्यूबर्स ने, एक फेमस यूट्यूबर ने मतलब इनके कमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई और वीडियो वायरल हो गई थोड़ी बहुत। तो मतलब और फिर वो उसके ऊपर मीम बने और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, मतलब हर सोशल मीडिया पे इनका नाम फेमस होने लगा। बस यही है। और ये भैया कोरोना से भैया तेज निकल गए, मतलब कुछ भी फेमस हो रहा है आजकल भैया, पता ना हम कब फेमस होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में विनोद जरूर लिख देना। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में यही था। और विनोद भाई से कोई विनोद भाई के बारे में अगर थोड़ी बहुत और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में देखते हैं ना बस। तो भैया जाओ विनोद, चलता मिलती है वीडियो को।